हुजूर ने फरमाया चाहिए कि तुम रमजान के रोजे रखो और लोगों को रमजान के रोजे अफ्तार कराओ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजे अफ्तार करने का हमें क्या फायदा पहुंचेगा, अफ्तार कराने का हमें क्या फायदा पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया तीन फायदे पहुंचेंगे। जो शख्स किसी दूसरे का रोजा अफ्तार कराएगा फरमाया उसको तीन फायदे होंगे। पहला फायदा अफ्तार कराने वाले के सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। दूसरा फायदा अफ्तार कराने वाले को दोजख से नजात का परवाना दे दिया जाएगा, जमानत हो गई। रोजा अफ्तार कराने वाले को जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। तीसरा फायदा रोजा अफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा अफ्तार करने वाले को मिला है। यानी रोजा अफ्तार कराने वाले को अपने रोजे का भी सवाब और जिसका रोजा अफ्तार कराया है उसके रोजे का भी पूरा सवाब। अफ्तार कराने वाले को ये सवाब अपने रोजे का भी, जिसको अफ्तार कराया उसके रोजे का भी। इस तरह सवाब मिलेगा कि उसके रोजे का जिसने अफ्तार किया उसको भी पूरा सवाब और जिसने अफ्तार कराया उसको भी उसके रोजे का पूरा सवाब। कितना फायदा है रोजा अफ्तार कराने में, कितना फैज है रोजा अफ्तार कराने में। सहाबा ने कहा हुजूर हमारे सर आंखों पर आपका हुक्म, मगर हम गरीब लोग हैं, हम अफ्तारी अगर न करा सकें तो फिर तो इस सवाब से मारूम रह गए। आपने फरमाया अफ्तार कराने का मतलब पेट भर के खाना खिलाना नहीं, एक घूंट पानी पिला दो, एक खजूर खिला दो किसी को या एक घूंट दूध पिला दो, यही काफी है, इसका इतना सवाब है। तो बाद से आबा ने पूछा हुजूर अगर हम किसी को खाना खिला दें, फरमाया फिर तो सवाब की आदि कोई नहीं। फिर यह होगा कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारी दावत करेगा जन्नत में, और अगर तुम किसी रोजेदार को पेट भर के खाना भी खिला दो अफ्तारी के वक्त तो तुम्हें दोजख से 100 वर्ष की राह दूर कर दिया जाएगा, दोजख की हवा भी तुम्हें नहीं लगेगी, दोजख की बदबू भी तुम्हें नहीं पहुंचेगी, दोजख की गर्मी भी तुम्हें नहीं लगेगी, 100 साल की राह दोजख से दूर कर दिए जाओगे अगर तुम पेट भर के रोजेदारों को अफ्तारी कराओगे, और अगर ज्यादा न कर सको पानी पिला दो, एक घूंट एक खजूर एक घूंट दूध, कितने फायदे मिलेंगे, सारी जिंदगी के गुनाह बख्शे गए, दोजख से आजादी का परवाना मिल गया, और जितना सवाब उस रोजेदार को मिलेगा जिसने अफ्तार किया उसको उसके रोजे का भी सवाब और तुमको भी उसके रोजे का सवाब और तुमको भी तुम्हारे रोजे का सवाब।